वह देखो पंडित रामकृष्ण आ रहा है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। राज पुरोहित तथाचार्य ने हमें पहले ही अवगत करा दिया था कि रामकृष्णा रात को अखाड़े में अवश्य आएगा और अपने स्तंभ को ढीला करने का प्रयास करेगा। अरे नहीं नहीं, मैं अपने स्तंभ को ढीला करने नहीं, अपितु इनकी पूजा करने आया हूँ ताकि कल की स्पर्धा में मुझे ही विजय प्राप्त हो। क्या है इस पोटली में, दिखाओ दिखाओ। देखिए देखिए, ये तो गुड़ है। अब यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अपनी पूजा संपन्न कर लूं? पूजा करनी है अवश्य करो, लेकिन स्तंभ को अगर छुआ तो तुम्हारी चटनी बना दी जाएगी। हाँ जी जी, अब आपकी कृपा हो गई है तो कल स्पर्धा में मुझे विजय अवश्य प्राप्त होगी। ये पंडित रामकृष्ण चाहे कितनी भी पूजा अर्चना कर ले, ये स्तंभ को उखाड़ना क्या हिला भी नहीं पाएगा, विजयी होने की बात कर रहा है। हे स्तंभ देवता, मैंने आपकी पूजा अर्चना की, आपको नैवेद्य भी चढ़ाया, मुझ पर कृपा करना, कल जब मैं आपको उखाड़ने का प्रयास करूं तो बिना किसी परेशानी के अपने आप ही उखड़ कर गिर जाना बस। अब हो गई पंडित रामकृष्ण आपकी पूजा अर्चना, अब भगवान ही आपकी रक्षा करेंगे। अनुमति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब आज्ञा दीजिए, मेरा काम हो गया। अब कहने का तात्पर्य है मेरी पूजा सम्पन्न हुई। ठीक है। प्रजाजनों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज की स्पर्धा पंडित रामकृष्णा और सिम्बा के मध्य है, यदि महाराज की आज्ञा हो तो प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की जाए। आज की स्पर्धा आरंभ की जाए। क्या रहा है पंडित रामकृष्ण? कि पंडित रामकृष्ण इतनी शांति से क्यों खड़े, वो स्तंभ उखाड़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? लगता है पंडित रामकृष्ण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। उठा लो, अरे स्तंभ को उठा लो और उखाड़ कर फेंक दो, ऐसे क्यों खड़े हैं? समय व्यतीत हो रहा है। ये पंडित रामकृष्णा खड़ा खड़ा कर क्या रहा है? पंडित रामकृष्णा स्तंभ उखाड़ने की चेष्टा तो कीजिए। जी गुरु जी, सावधान रहना और ध्यान से स्तंभ की सुरक्षा करना चाहिए। कैसे हुई
गुरुजी मुझे कैसे पता चले, मैं तो स्तंभ के पास ही था। पंडित रामाकृष्ण स्तंभ के पास सिर्फ पूजा करने के लिए आए थे। आप चाहे तो लिम्बा सिम्बा से पूछ सकते, वो वही मौजूद थे गुरुजी। अब प्रार्थना पंडित रामाकृष्ण की स्वीकार कर ली स्तंभ देवता ने, इसमें हमारा क्या कसूर? पंडित, मैं अपने शिष्य सिम्भा की पराजय स्वीकार करता हूँ, परंतु मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने इस असंभव कार्य को संभव कैसे किया। कृपया मुझे अवश्य यह बता दो, अन्यथा इसके बारे में विचार कर करके मैं संपूर्ण रात्रि सो नहीं पाऊंगा। दुर्जन महाशय, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपना सबसे महत्वपूर्ण दाव जिससे आप पराजित होते हो वो मुझे बता दें, तो क्या आप मुझे उसके बारे में बताएंगे? तो सारी रात्रि जागिए और इस बारे में विचार कीजिए। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत, हमें आप पर गर्व है। क्षमा करें महाराज, परंतु अभी विजय और पराजय का निर्णय नहीं हुआ है, ये तो मात्र योग्यता का परीक्षण था। वास्तविक मल्लयुद्ध तो पंडित रामा को मुझसे करना है, जो अभी शेष है। दुर्जन, मैंने अपने बुद्धि बल से तुम्हारे दोनों शिष्यों को पराजित किया है, तुम्हारा सम्मान अभी भी बना हुआ है। केसरी वल्लभ को पराजित करके तुम अभी भी विजेता हो, चाहो तो एक विजेता की तरह विजयनगर से सम्मान प्रस्थान कर सकते हो। दो द्वंद का परिणाम तो तुमने देखा ही है। दुर्जन, आज तक कभी भी किसी मल्लयुद्ध से नहीं भागा है, अब मैं सीधे तुमसे मल्लयुद्ध करूंगा, तुमको कीड़े की तरह मसल दूंगा। पंडित रामकृष्ण, आपने कुछ सोचा है इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे आप? आप चिंतित ना हो महाराज, माँ सब ठीक करेंगी। अवश्य। रामा, हम उत्सुक थे जानने के लिए कि आपने इस स्तंभ को एक ही धक्के में धराशायी कैसे कर दिया। मैंने नहीं महाराज, चींटियों ने ये किया है। चींटियों ने? चींटियों ने? महाराज, कल मैंने स्तंभ के चारों ओर गुड़ डाल दिया था और उस गुड़ की लालच में यहाँ चींटियां आ गई और इन चींटियों ने इस धरती को गहराई तक खोखला कर दिया। तभी तो एक ही धक्के से मैं इस स्तंभ को गिरा पाया। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, आपकी बुद्धि सर्वोपरि है। धन्यवाद महाराज। श्रेष्ठ, परंतु कल तुम स्वयं को कैसे बचाओगे पंडित रामकृष्णा? अम्मा काली स्वयं तो आकर तुम्हारी रक्षा करने से रही, तुम्हारा अंत निश्चित है पंडित रामकृष्णा। आपको क्या हुआ? सोच रहा है कि दुर्जन को कैसे प्रयास करेगा। ये समय सोचने का नहीं, कार्य करने का है। कल दुर्जन के साथ द्वंद है, जहां बुद्धि का नहीं बल का प्रयोग होगा। चलो उठो, मेरे साथ प्रयास करो। मैं तुझे तंगड़ी मार दाव सिखाती हूँ। तुम? हाँ, बचपन में मेरे गांव में एक बहुत दुष्ट बालक था, वो सारे बालकों को बहुत परेशान करता था। कभी केश खींचता था और कभी कीचड़ फेंकता था। एक दिन मुझे उस पर बहुत क्रोध आया और मैं उससे भिड़ गई। जब मैंने उसका हाथ मोड़ने के लिए उठाया तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो बहुत शक्तिशाली है।
और मैं उसकी उंगली भी नहीं मोड़ सकती। तब मुझे टंगड़ी मार दाव का स्मरण हुआ और मैंने उसे पकड़ा और उसके पैर के पीछे पैर रखकर उसे धड़ाम से गिराया। ठीक ऐसे ही अम्मा उठा लो। अम्मा मुझे उठा लो। अरे नहीं अम्मा से नहीं आपसे कह रही, अम्मा के अनुभव का लाभ उठा लो। क्या लाभ उठा लो? अरे उस भीम का दुर्जन को हाथी ना धकेल पाए, मैं क्या धकेलूंगा? नहीं चलेगा ये दाव। तो तुझे धोबी बचा दाव का प्रयोग करना चाहिए जो मलयुद्ध का सर्वश्रेष्ठ दाव है। एक ऐसे कर लेगा फिर ऐसे उठाते। हम आपको नेत्र नोच दाव सिखाते हैं, इसमें नेत्र नोच लो प्रतिद्वंदी को कुछ दिखाई नहीं देगा। हम आपको अभी सिखाते हैं। अरे 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 रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? कल मल्लयुद्ध में मुझे नेत्रों की आवश्यकता होगी। मुझे तो लगता है दुर्जन से पूर्व तुम सब लोग मेरी चटनी बना दोगे। जाओ यहाँ से और मुझे सोचने दो। मैंने कहा यहाँ से जाओ और मुझे सोचने दो। हम आपकी सोचने में सहायता कर रहे हैं शारदा महोदया। सोचने में भी भला कोई किसी की सहायता कर सकता है क्या? हाँ, आप सोचेंगे और हम भी सोचेंगे। जब चार सोच मिलके सोचेंगे तो कुछ ना कुछ तो सूझेगा ही ना। इसी सोच से हम भी सोचने बैठ गए। उलझन से लड़ना कठिन है, वो तो दिखाई भी नहीं देता, उसके सदैव चारों ओर धुआं रहता है और कहता रहता है कि किले की तला मसल कर लग दूंगा। लेकिन इतने धुएं में उसके पास किला कैसे आएगा? कीड़े की तरह मसल दूंगा। ओ गुंडप्पे, तू तो बड़ा बुद्धिमान निकला। क्या युक्ति दी है? मैंने ऐसा क्या कहा? चमत्कार किया तूने। चल मेरे साथ, फिर समझाता हूँ तूने क्या कहा। हमें भी समझाइए। पहले मुझे इस युक्ति का परीक्षण तो करने दो, फिर समझाऊंगा। चल गुंडप्पे, चल 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 चुपी चल चुप 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 चुप। गुरुदेव, भोजन से पूर्व दूध पियेंगे क्या? कल पंडित रामाकृष्णा के साथ आपको मलयुद्ध करना है। उस पिद्दी के साथ लड़ने के लिए मुझे दूध नहीं चाहिए। तुम तो अपना सामान्य भोजन बनाओ। भला कल का द्वंद भी कोई द्वंद है? उस गेड़ पसली को तो मैं कीड़े की तरह मसल दूंगा। गुरुदेव, पता नहीं वो पंडित रामाकृष्णा कल युद्ध भूमि में कौन सी नई युक्ति सोचकर आने वाला है। अरे मैं उसकी कोई भी युक्ति नहीं चलने दूंगा। अब आएगा आनंद, देख। कल मैं रामाकृष्णा को द्वंद शुरू होने से पूर्व ही कीड़े की तरह। कीड़ा 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 कहाँ है गुरुदेव, कहाँ है कीड़ा? कहाँ है गुरुदेव कीड़ा? ये कीड़ा तो बहुत दुष्ट है, इस पर तो धुएं का प्रभाव भी नहीं हो रहा। समझ गया लामा, इसलिए दुल्हन चारों तरफ धुआं कर कर लगता है। बोरा 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 जल्दी पकड़ो उसे। बोरा ये तो तिलचट्टा है गुरुदेव। अच्छा अच्छा, तुम दोनों ठीक से धुआं किया करो, हमें तो हमले का डर रहता है और वैसे भी इस तरह बार बार यूं भयभीत होना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुरुदेव आप चिंतित बिल्कुल ना हुआ करें, ये राम जी का घोड़ा नहीं है। अरे भाई तुम उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। क्या तुम्हें स्मरण नहीं जब उसने मुझ पे आक्रमण कर दिया था तो मेरी क्या दशा हो गई थी?
हाँ गुरु जी, भलीभांति ज्ञात है। उस दृश्य को अभी भी स्मरण कर हमारी आत्मा थरथरा जाती है। अरे तुम जाओ, इस तिल चट्टे को भी दूर फेंक के आओ। जी गुरु जी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? धुआं तो यहाँ रखो। अच्छा अच्छा जी जी जी। कुंडप्पे, तू बड़ा बुद्धिमान है। आज तेरे कारण मुझे इस दुर्जन की कमजोरी के बारे में ज्ञात हुआ। ये राम जी का घोड़ा क्या होता है? सब बताऊंगा, चल यहाँ से। अब ये राम जी का घोड़ा ही मेरी लंका पार लगाएगा। जय श्री राम। राम जी का घोड़ा? जी मंत्री भाई, राम जी का घोड़ा ही दुर्जन को परास्त करने में मेरी सहायता कर सकता है, और ये कार्य आप ही को करना होगा, अन्यथा कल मैं जीवित नहीं बचूंगा। ओहो, मतलब राम जी का ही घोड़ा चाहिए? हाँ। नहीं, वो क्या है कि राम जी कुछ दिनों के लिए आकाश पर गए हुए हैं। आप एक काम कीजिए, आप हमारा घोड़ा ले लीजिए, हमारे अस्तबल में बहुत अच्छे और बलशाली घोड़े हैं। अरे किसमें से भी चयन कर लीजिएगा। मंत्री भाई, घोड़ा नहीं, राम जी का घोड़ा चाहिए। परंतु हम इस राम जी के घोड़े को कहाँ ढूंढेंगे और उसे पकड़ेंगे कैसे? आप किसी ताल या तलैया के पास उसे खोजिए, परंतु ये कार्य आप ही को करना होगा। कुछ भी कीजिए, हो सके तो अपनी सेना भी लगा दीजिए, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है मेरे जीवित बचने का। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम स्वयं वन में जाकर राम जी के घोड़े को पकड़ेंगे, और इसे पकड़ने के लिए हम यहाँ से हमारी एक सेना की टुकड़ी को भी ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण, आपको ये स्मरण तो है ना कि हम इस राज्य के महामंत्री हैं? मंत्रीवर, ये आप क्या कह रहे हैं? अवश्य स्मरण है, परंतु आपने ये प्रश्न क्यों पूछा? क्या है पंडित रामकृष्ण, कि आप हमसे ऐसे ऐसे कार्य करवाते हैं कि हमें ये संदेह होता है कि आपको स्मरण नहीं रहता कि हम इस राज्य के महामंत्री हैं, और ना ही कोई सिपाही या सेवक। शिव 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 शिव, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? महामंत्री वर, महामंत्री वर, क्षमा करें क्षमा करें, परंतु फिर भी ये कार्य तो आप ही को करना पड़ेगा, और वो भी मल्ल युद्ध आरम्भ होने के पूर्व। जो आज्ञा महाराज। जी लामा, ठीक लग रहा है ना? क्या कर रहे हो तुम लोग? कष्ट हो रहा है मुझे, धीरे धीरे कर। एक बालक के हाथ की शक्ति सहन नहीं कर पा रहे हैं। दुर्जन का विचार कीजिए, कहीं उसका एक मुक्का पड़ गया तो क्या हाल होगा आपका? और दम लगा के करो, आज इसे कीड़े की तरह मसल डालूंगा। पंडित रामा कृष्णा, आज तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए हवन हम करेंगे। महाराज कृष्ण देव राय की जय। 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 दोनों प्रतियोगी कृपया अखाड़े में पदार्पण कीजिए। पंडित रामकृष्ण, आइए आइए, शीघ्र कीजिए, अखाड़े में प्रवेश कीजिए। हे भगवान, मंत्री भी कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? बंधु, वो शीघ्र नहीं पहुँचे तो तू और तेरे साथ मैं भी स्वर्ग पहुँच जाऊंगा। ढूंढो, ठीक से ढूंढो, समय नहीं है हमारे पास। ठीक से ये देखिए मंत्रीवर, ये है क्या? अरे मूर्खो, कहाँ कीड़े मकोड़ों के पीछे पड़े हो? राम जी का घोड़ा, केवल राम जी का घोड़ा चाहिए, ढूंढो। जी मंत्रीवर। पंडित रामकृष्ण, कृपा करके आप पधारिए।